Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and hit the bell icon also so that you won't miss my future videos. Hello everyone, this is Shweta. Welcome back to my channel. So मैंने कुछ clothing items जो है वो Myntra से purchase की थी and footwear. So I thought कि आपके साथ share किया जाए ताकि आपको भी थोड़ा सा idea हो जाए कि क्या क्या Myntra में आ रहा है sale पे and किस किस price range में आ रहा है. So क्योंकि अभी Myntra में Independence Day sale चली है 9 to 11. So अगर आप भी कुछ buy करना चाहते हो तो hurry up guys, ये time पापा नहीं आता है. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो फर्स्ट मेरी परचेज है Myntra से ये कुर्ती प्लाजो, कुछ इस तरह से है. इसका कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर है. इसका राउंड नेक है और इस कुर्ते में फ्रंट में एंड बैक में दोनों में सेम गोल्डन कलर का प्रिंट है. एंड ये आपके इवनिंग फंक्शंस के लिए, आफ्टरनून फंक्शंस के लिए बहुत ही अच्छा है. और इवन अब शादी का सीजन आने वाला है तो शादी में बहुत से फंक्शंस होते हैं तो आप इसको किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो. और अगर स्पेशली आप इसको मेहंदी फंक्शंस में पहनते हो तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा. और इसको हैवी ज्वेलरी के साथ पेयर अप करते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड कई बार ऑफिस में भी एथनिक डे होता है तो उसमें भी आप इसको पहन सकते हो. और कई बार कैंपेन्स चलते हैं गोपी तो बहुत ही अच्छा एंड काफ़ी मल्टीपर्पज कुर्ता प्लाजो सेट है ये. आप इसको किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो. एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कुर्ता किस तरह से है पूरा का पूरा. ये फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखाई देता है. राउंड नेक है इसका एंड पूरे सूट में गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है. एंड इसकी स्लीव्स एल्बो तक आती हैं, आप देख सकते हैं. एंड ये लॉन्ग कुर्ती है विद प्लाजो एंड इसके गले में ये डोरी दी गई है तो काफी स्टाइलिश लगता है पहन के. एंड ये फिटिंग वाइज भी काफी अच्छा है और इसका जो मटेरियल है वो प्योर कॉटन मटेरियल है. और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका प्लाजो. एंड प्लाजो कुछ इस तरह से है इसका. आगे से इसमें इलास्टिक नहीं दिया गया है लेकिन बैक में इसके इलास्टिक दिया हुआ है. तो काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में भी और कई साइज का इशू भी नहीं आता है. एंड मैंने इस पूरे कुर्ता प्लाजो सेट में साइज लिया है मीडियम साइज एंड ये लिबास ब्रांड का है. एंड प्लाजो में बॉटम में कुछ इस तरह का गोल्डन कलर का डिज़ाइन दिया हुआ है. काफ़ी फ्लेयर प्लाजो है तो बहुत ही अच्छा लगता है. आजकल फ्लेयर प्लाजोज काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छे लगते हैं. एंड ये मुझे ऑफ में 942 रुपीज़ का मिला है. सो काफ़ी अच्छी डील रही मेरे लिए. सो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस एंड आई रियली लाइक इट. सो अब चलते हैं नेक्स्ट परचेज की. और नेक्स्ट मैंने लिया है ये ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का शरारा सूट. ये कुछ इस तरह से है. एंड ये स्पेशली मैंने हरियाली तीज फंक्शन के लिए लिया था क्योंकि हरियाली तीज में ग्रीन कलर का कुछ पहनते हैं. सो आई थॉट कि कुछ स्टाइलिश लिया जाए तो मैंने इसलिए शरारा सूट लिया था. एंड मैंने ये अपने हरियाली तीज ब्लॉग में भी पहना था. और अगर आपने ये नहीं देखा है मेरा ब्लॉग तो मैं इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए. एंड ये डील भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक शरारा सूट सिलवाया था तो उसकी सिलाई ही टेलर ने 1500 रुपीज़ ले ली थी एंड ये मुझे मिली है 1349 रुपीज़ में Myntra में. सो काफ़ी अच्छी डील रही है. एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुर्ती कुछ इस तरह से है. ये देखिए इसका भी राउंड नेक है एंड गोल्डन वर्क दिया हुआ है पूरे कुर्ती में. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शरारा सूट की जो कुर्ती होती है उसकी शॉर्ट लेंथ होती है. सो ये नीचे थोड़ा सा ऊपर आती है एंड स्लीव्स इसकी एल्बो तक आती हैं. एंड यहाँ पे इसमें गोटा पत्ती का वर्क दिया हुआ है बाजू में एंड में. एंड गले में भी ये सेम गोटा पत्ती का वर्क दिया हुआ है. तो ये थी कुर्ती. एंड अब चलते हैं शरारा की ओर. शरारा भी इसका इस तरह से है. ये देखिए पूरा ग्रीन कलर में है. अगेन इसमें फ्रंट में इलास्टिक नहीं दिया हुआ है एंड बैक में इलास्टिक दिया हुआ है. एंड जहां से शरारा स्टार्ट होता है वहां पे इसमें गोटा पत्ती का वर्क दिया हुआ है तो काफी अच्छा लग रहा है. एंड आप पूरा का पूरा शरारा देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से है. शरारा का और कुर्ती का जो मटेरियल है वो पॉलीक्रीप मटेरियल है. एंड एक ध्यान रखिए इसको आयरन करते हुए कि आप इसको तब आयरन कीजिए जब आपकी आयरन थोड़ी सी कम गर्म हो क्योंकि इसको वैसे भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है प्रेस करने की. साथ ही इसका दुपट्टा भी है येलो कलर का, ये देख सकते हैं आप. इसमें गोटा पत्ती वर्क दिया हुआ है पूरे के पूरे दुपट्टे में, ये देखिए. एंड इसका जो मटेरियल है वो पॉली जॉर्जेट मटेरियल है.
तो इसको भी आप ध्यान रखिए आयरन करते हुए। एंड नेक्स्ट मैंने ली है जयपुरी प्रिंट की ये कुर्ती ब्लू कलर की एंड इसमें पाइपिंग दी हुई है रेड कलर की। गला इसका राउंड नेक है तो काफी सिंपल कुर्ती है और आपके कैजुअल वेयर में भी काफी अच्छी रहेगी। अगर आप ऑफिस के लिए भी इसको वेयर करते हो तो बहुत ही अच्छी है, इवन कॉलेज गर्ल्स भी इसको पहन सकती हैं। एंड ये कुर्ती कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। एंड इसमें ये रेड कलर का बॉर्डर दिया हुआ है गले पे भी एंड बाजू पे भी, जो इसको काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। ब्लू एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और स्पेशल मेरे को एक चीज लगी इस कुर्ती में, जो मैंने इसलिए खरीदी ये कुर्ती, कि इसमें ये जो रेन ड्रॉप वाला पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही यूनिक पैटर्न है। एंड नीचे भी इसमें टेसल्स दिए हुए हैं रेड कलर के ही। बहुत ही क्यूट कुर्ती है एंड ये एसिमेट्रिक कुर्ती है, ये देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी ये विद साइड स्लिट्स। ये देखिए इसमें स्लिट जो है बहुत ही छोटी स्लिट है, देख सकते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हो गई। इसका डिजाइन भी दिया हुआ है और रेड कलर का डिजाइन भी है, तो आप इसके साथ व्हाइट कलर की लेगिंग पहन सकते हो, प्लाजो पहन सकते हो एंड इसके साथ आप रेड कलर की लेगिंग भी पहन सकते हो और प्लाजो भी पहन सकते हो। इवन आप इसको जीन्स के साथ भी पहनोगे तो भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। आपकी ब्लैक जीन्स है या आपकी ब्लू जीन्स है उसके साथ भी काफी अच्छी लगेगी, लाइट ब्लू जीन्स के साथ। तो यार ये ली थी मैंने कुर्ती ऑफिस के लिए। इसमें साइज लिया है मीडियम साइज एंड प्राइस है इसका 472 रुपीज एंड ब्रांड है इसका हेयर एंड नाउ ब्रांड। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्लैक कलर की हील्स, आप देख सकते हैं। इसमें वेलवेट का वर्क दिया हुआ है फ्रंट में, जो इसका स्ट्रैप लगा है एंड ये 2 इंच की हील है, आप देख सकते हैं। एंड इसमें यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है इस हील्स में एंड ये काफी कंफर्टेबल भी है पहनने में। इसमें कुशन फुटपैड दिया हुआ है तो काफी कंफर्टेबल है पहनने में। मैंने इसको 2-3 बार पहना भी है, अपने सूट के साथ पहना है और मैं घूमने भी गई हूँ इस हील्स के साथ, तो मुझे काफी कंफर्टेबल लगी एंड चुभती भी नहीं है। कई हील्स ऐसी होती है वो काफी चुभती है, बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है, तो ये अनकंफर्टेबल भी नहीं है और बहुत ही अच्छी है एंड इसका लुक भी डिसेंट और साथ ही साथ में ये कंफर्टेबल भी है। ये हील्स आपके किसी भी आउटफिट के साथ चलेगी, चाहे वो एथनिक वेयर हो आपका या वेस्टर्न वेयर हो। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। आपको मेरी ये मिंत्रा शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो और प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग।